Hello, hope you all are doing really good today. Myself Manu, welcome back to my channel Speak of Art. So बड़े दिन हो गए जनाब, आप लोगों से back to back बात नहीं की. And first of all, I will want to say thanks क्योंकि आप लोग मेरे जो vlogs हैं, especially मेरा northern tour जो है वो like कर रहे हैं. Thanks for that. और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, go check out my old videos and you will got to know about myself के मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और अभी मैं स्पेशली किस बारे में बात कर रही हूँ. And yes, I would suggest you guys subscribe and hit the like button. Okay जी, so आ गया है रमज़ान and I would suggest you all that के ये रमज़ान 2021 last year जो रमज़ान था उसमें already इतना you all know that कि वो जो बेसिकली जो बीमारी हमारे ऊपर आई है वो अभी तक मुसल्लत है और हम अभी भी उससे फाइट कर रहे हैं. अगेन द रेशो ऑफ दैट डिजीज़ इज़ गेटिंग हायर एंड हायर, डेथ रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड आई वुड जस्ट द रीज़न व्हाई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू से कि आप लोग रोज़ों में आप लोग ये भूल मत जाइएगा कि ये जो रोज़े हैं, ये जो इबादत का महीना आ रहा है, ये जो मुबारक बाबरकत महीना शुरू हो रहा है कल से, इसमें अपने साथ वालों को ज़रूर याद रखेगा. साथ वालों से मुराद वो ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और ज़रूरतमंद हैं और आपको लगता है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए. गो फॉर इट. रमज़ान इज़ नॉट अबाउट जस्ट ज़कात, कि आपको जस्ट ज़कात देनी है, आपको कुरान पढ़ना है. इट्स अबाउट टू फील, टू रियलाइज, टू सेंस द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन दैट इज़ नीडी. सो बेसिकली उन लोगों का ख्याल रखना है जिनको, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की मदद करनी है जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपको लगता है कि मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद करिए बिल्कुल. और कोशिश करिए अपना माल सही लोगों पे खर्च करें और सोच समझ के अपनी ज़कात दीजिए बिल्कुल. एंड यस, अपनी रूटीन को जिस तरीके से सेट करें कि आप लोगों का ऑफिस वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ आप लोग अपनी इबादत को भी टाइम दीजिए, क्योंकि ऑफिस टाइम्स ऑब्वियसली कम हो जाते हैं, तो बेटर है कि वो टाइम यूटिलाइज़ करें अपनी इबादत में, कुरान पढ़ें, तलावत करें और हो सके जितना हो सके कोई अच्छी बात सिखाएं बच्चों को अपने. एंड यस, लास्ट ईयर ठीक यही वक्त था जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी. यही मैं अपनी बहन से भी छोटी मैरू से डिस्कस कर रही थी कि यही चीज़ें लास्ट ईयर चल रही थी और ऑनलाइन शॉपिंग चल रही थी और मेरी शादी थी, क्योंकि वेरी नेक्स्ट आफ्टर रमज़ान एंड ईद तो सब कुछ ऑनलाइन किया था, सब कुछ ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही थी. मेरी व्लॉग्स मैंने ज़रूर डाले, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा. मैं अपने एक दो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, यहाँ कहीं पोस्ट भी कर दूँगी, वो जाके देखें. एंड यू विल गॉट टू नो कि एक घर पे शादी करना और बाहर जाके हॉल में मैरिज बैंकट में शादी करने में क्या डिफरेंस है. बट इट वॉज़ फन, बड़ा मज़ा आया था घर पर शादी होने का. इट वॉज़ माई ड्रीम जो कि हो गया. कमिंग बैक टू टूडेज़ टॉपिक रमज़ान, बट इतना ही कहूँगी, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने आप के लिए भी अच्छा देखें. आप अपने दूसरों के लिए अच्छा गुमान रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा ही करेंगे. उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोगों के घर का रिस्क हमेशा बहाल रखें, आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र दें और आपके घरों की बरकतें रौनकें हमेशा आबाद रहें. माँ बाप का साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे और हमें नेकी की हिदायत दें, हमारे जो अनवांटेड ख्वाहिशात हैं वो ख़त्म करें और हमें आजी का और शुक्रगुजार बंदा बना दें और हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं हमें माफ़ करें एंड जो दुआएं हम मांगते हैं वो कबूल करें और मदद फरमाएं. दैट वाज इट फॉर टुडे. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.